अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे गोएंकंस, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम दरसी उर्दू किताब से सबक नंबर 10, जिसका अनवान है ईदें, इसके अल्फाज मानों को लिखकर उनको जुमलों में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, जो कि यूँ है। अल्फाज है ईदें, ईदें जो है वो जमा है, ईद इनका वाहिद है, ठीक है। अल्फाज है ईदें, माने बन जाएंगे दो ईदें। जुमला है, मुसलमानों का अहम त्यौहार ईदें हैं। अल्फाज हैं ईद, माने हैं खुशी का दिन। जुमला है, ईद खुशी का त्यौहार होता है। अल्फाज ईद उल फितर, माने हैं रोज़ा खोलने की ईद। जुमला है, एक महीना रोज़ा रखने के बाद मुसलमान ईद उल फितर मनाते हैं। अल्फाज हैं शवाल, माने हैं इस्लामी कैलेंडर का 10वां महीना। तो जुमला है, शवाल की पहली तारीख को ईद उल फितर मनाई जाती है। अल्फाज हैं रमज़ान, इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना। जुमला है, रमज़ान के महीने में मुसलमान रोज़ा रखते हैं। अल्फाज है ईदी, इसका माने है ईद के मौके पर बच्चों को नकदी दी जाती है, जो नकदी दी जाती है। तो इसका जुमला है, मुझे ईद के दिन ईदी मिली। ये काम आप सब अपनी अपनी कॉपियों पर लिखेंगे और इनको ज़ुबानी भी याद करेंगे। मेरे प्यारे गोएंकंस, आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।